सीजन 14 के घर में स्मार्ट टीवी एक्टर निशांत सिंह मलकानी भी एज अ कंटेस्टेंट बनकर नजर आ रहे हैं। शो में उनकी पॉपुलैरिटी देखकर ऑडियंस काफी इम्प्रेस हैं। वहीं निशांत को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो आने वाले वक्त में शो के बाकी कंटेस्टेंट्स पर भी भारी पड़ते नजर आएंगे। लेकिन टीवी का ये हैंडसम एक्टर कैसे पहुंचा बिग बॉस के घर तक, कैसा रहा निशांत का अब तक का सफर और कैसे एक मौके ने पलट दी उनकी जिंदगी, आइए इस वीडियो में बताते हैं आपको उनकी जिंदगी के अनसुने किस्से के बारे में। निशांत मलकानी का जन्म 1 सितंबर 1987 को दुबई में हुआ था। हालांकि उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा नई दिल्ली की लक्ष्मण पब्लिक स्कूल से की और अपने बैचलर डिग्री के लिए शहीद भगत सिंह कॉलेज गए। इसके बाद उन्होंने MBA करने के लिए IIM कोलकाता ज्वाइन किया। लेकिन खुद निशांत को भी नहीं पता था कि कोलकाता में कैसे उनकी जिंदगी एक जबरदस्त मोड़ लेने वाली है। दरअसल जब निशांत MBA की पढ़ाई के लिए कोलकाता गए थे तो एक दिन उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे उनके एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आने के दरवाजे खुल गए। इस बात का खुलासा खुद निशांत ने एक इंटरव्यू के दौरान किया था और बताया था कि कैसे एक मौके ने उनकी जिंदगी पलटी। निशांत ने बताया था, एक दिन जब मैं कोलकाता मेट्रो में यात्रा कर रहा था तो मैं एक कोऑर्डिनेटर से मिला। उसने मुझे डेली सोप में एक किरदार को करने का ऑफर दिया। उसने मुझे बताया कि वो एक टॉल और हैंडसम लड़के की तलाश कर रहे हैं। उन्होंने मुझे ऑडिशन देने को कहा। मैंने कहा मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन एक ऑडिशन जो जरूरी है उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। उन्होंने मुझे सब कुछ समझाया और मैं मुंबई चला आया। हैरानी की बात है कि मैं सिलेक्ट भी हो गया। उसके बाद सब कुछ हुआ। मुझे लगता है कि ये सब भाग्य में था। इसके बाद निशांत ने एक मॉडलिंग एजेंसी के साथ 2 साल तक काम किया और इसी दौरान उन्हें 2009 में आए स्टार वन के शो मिली जब हम तुम के लिए ऑडिशन दिया और वो सिलेक्ट भी हो गए। इस शो में निशांत ने आदित्य राज का किरदार निभाया था। 1 साल इस शो में काम करने के बाद फिर निशांत के हाथ लगा साल 2010 में आया शो ससुराल गेंदा फूल। इसके बाद तो निशांत के पास शोज की लाइनें ही लगने लग गई। निशांत ने फिर प्रीत से बंधी ये डोर, राम मिलाए जोड़ी, पवित्र रिश्ता, प्यार की ये एक कहानी जैसे कई शोज किए। लेकिन 2018 में आए शो गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा से निशांत की पॉपुलैरिटी एकदम काफी बढ़ गई थी और वो टीवी पर एक नए स्टार बनकर उभरे। सिर्फ टीवी शोज ही नहीं बल्कि निशांत ने बॉलीवुड में शूट कमीना, इश्क ने क्रेजी किया और लव ट्रेनिंग जैसी कई फिल्मों में भी काम किया है। हालांकि उनकी किसी भी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ अच्छा कमाल तो नहीं किया, लेकिन रागनी MMS रिटर्न 2017 से वो काफी लाइमलाइट में आ गए थे। आपको बता दें कि रागनी MMS रिटर्न की शूटिंग के दौरान उनकी को स्टार रिया सेन ने निशांत पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। हालांकि बाद में उन्होंने अफवाहों का खंडन किया और कहा कि रिया उनकी बहुत करीबी दोस्त है। आपको बता दें कि निशांत अपनी लव लाइफ को लेकर भी काफी सीक्रेट रहे हैं। ऐसी अफवाहें थी कि वो टीवी एक्टर सारा खान को डेट कर रहे थे और बाद में उनका गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा की को स्टार कनिका मान के साथ भी नाम जुड़ा। कोई खबरें तो यहाँ तक है कि निशांत एक्ट्रेस जिया मानिक को भी डेट कर रहे हैं। दोनों की ढेर सारी पार्टी पिक्चर्स और वेकेशन पिक्चर्स काफी सामने आई हैं, जिसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। वेल देखा जाए तो अब बिग बॉस के घर में आकर निशांत की पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में अब देखना तो ये है कि बिग बॉस के घर में निशांत क्या कमाल करते हैं और कैसे लोगों पर अपनी छाप छोड़ते हैं।